नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब ब्रोकर कैसे बना जाता है। पूरी की पूरी डिटेल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको सब ब्रोकर का बिजनेस करना है और सब ब्रोकर बनना है तो कैसे आप बन सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सब ब्रोकर होता क्या है, सब ब्रोकर बोलते किसे हैं। तो फ्रेंड देखिए, सब ब्रोकर कुछ अलग नहीं है, ये एक प्रकार की फ्रेंचाइजी होती है। जब भी आप किसी भी शेयर ब्रोकिंग कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हो उसे ही बोला जाता है सब ब्रोकर। लाइक मान लो कोई शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, ये बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज अलॉट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके की बाकी कंपनियां भी फ्रेंचाइजी अलॉट करती है उसी तरीके से ये ब्रोकिंग कंपनी भी अपनी फ्रेंचाइजीज अलॉट करते हैं। और जो फ्रेंचाइजीज वो अलॉट करते हैं उसे ही बोला जाता है सब ब्रोकर। क्योंकि होता क्या कि जो मेन ब्रोकर है, जैसे कि शेर खान है, शेर खान कौन है, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, बट शेर खान एक ब्रोकर है, एक शेयर ब्रोकर है, ठीक है। अगर वो अपनी फ्रेंचाइजीज अलॉट कर रहा है दैट मीन्स वो किसी को ब्रोकर बना रहा है अपने कोड के अंडर में, ठीक है। तो वो सब ब्रोकर हो गया उस शेर खान के मेन ब्रोकर के लिए, इसीलिए उसे सब ब्रोकर बोला जाता है, ठीक है। तो सब ब्रोकर मतलब फ्रेंचाइजी, ठीक है। अब अगर आपको सब ब्रोकरशिप लेना है किसी भी ब्रोकर से तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको जिस भी ब्रोकर से आपको फ्रेंचाइजी लेना है, लेट्स टेक एग्जांपल, आपको शेर खान से फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको शेर खान के ऑफिस में जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे शेर खान की फ्रेंचाइजी चाहिए या फिर मुझे शेर खान का सब ब्रोकर बनना है, ठीक है। तो जब आप ऐसा बोलोगे थोड़ी बहुत आपकी बातचीत होंगी, फॉर्मेलिटी होंगी, उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, मेन ब्रोकर क्या करता है, उनके पास में एक फ्रेंचाइजी मैनेजर होता है। वो फ्रेंचाइजी मैनेजर आपके साइट पे आएगा, मतलब वो वाले साइट पे जहाँ पे आप अपना ऑफिस सेटअप करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि सब ब्रोकर जो होता है फ्रेंचाइजी जहाँ पे आप लगाओगे वहाँ पे आपका ऑफिस रहेगा, ठीक है। तो वो फ्रेंचाइजी मैनेजर आपके साइट पे आएगा और देखेगा कि जहाँ पे आप अपना ऑफिस सेटअप करने वाले वो जगह ठीक है क्या, वो लोकेशन ठीक है क्या, वहाँ पे धंधा चलेगा क्या, ये सारी बातें काम होता है उस फ्रेंचाइजी मैनेजर का देखना। बट इतनी सारी चीज़ें वो देखता नहीं है, जेन्युइनली देखता नहीं है, वो इजीली आपको अप्रूवल दे देता है चाहे जगह किसी भी तरीके की हो। क्योंकि होता क्या है कि जो फ्रेंचाइजी मैनेजर है उसे भी टारगेट होता है मंथली बेसिस पे कि आपको एक या दो फ्रेंचाइजी एक महीने में लेकर आना ही है। तो ऐसे में उसको भी टारगेट है, उसका भी इनकम होती है, उसको भी कमीशन मिलता है उस सब सारी चीज़ों पर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि नॉर्मली अप्रूवल दे देता है जगह किसी भी तरीके की हो। थोड़ी बहुत अगर जगह आपकी ठीक नहीं भी रही, कुछ ऊपर नीचे रहा, तो वो आपको गाइडेंस दे देगा कि आप थोड़ा ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, बट वो आपको अप्रूवल दे देगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी फ्रेंचाइजी तो मैं ऐसी देख रहा हूँ कि जो घरों से चल रही है, ठीक है, तो अब वहाँ पे कौन सी साइट है, ठीक है, वहाँ पे मुझे बताइए कि घर से लोग फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और उनको भी अप्रूवल मिला है तो कोई दिक्कत आती नहीं है अप्रूवल मिलने की। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, तो वो उनको करना पड़ता है कि फ्रेंचाइजी मैनेजर वो भेजेंगे, वो अप्रूवल देगा, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस होंगी, ठीक है। अब ये हो गया, मान लो फ्रेंचाइजी मैनेजर आपके साइट पे आ गया, उसने साइट देख लिया, ठीक है सब कुछ ठीक है, आपको अप्रूवल मिल गया, अब दैट मीन्स अब आपको परमिशन मिल गई कि आप उस ब्रोकर के अंडर में सब ब्रोकर बन सकते हो, मतलब उस ब्रोकर की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, ठीक। अब दोस्तों फिर से आपकी एक बार मीटिंग होगी, अब इस मीटिंग में डिसाइड होंगी दो बातें मेनली, वैसे तो फॉर्मेलिटी वाली बहुत सारी बातें होती है बट मेनली दो बातें होंगी जो कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहली रहेंगी सिक्योरिटी मनी और दूसरी रहेंगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिक्योरिटी मनी। तो फ्रेंड देखिए, सिक्योरिटी मनी वो पैसा होता है जो आपको मेन ब्रोकर के पास में जमा रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। वो मे बी 50,000 रुपये भी हो सकता है, 1,00,000 रुपये भी हो सकता है, 1.5 लाख 2 लाख ऐसा अमाउंट वो हो सकता है, वो निगोशिएबल होता है। तो वो डिसाइड करना पड़ता है वो अमाउंट कितना रहेगा, वो आपको और मेन ब्रोकर के बीच में वो डिसाइड होता है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देकर भी आप किसी भी ब्रोकर की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, बड़े से बड़े ब्रोकर की, ठीक है। तो 50,000 रुपये में भी आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है। ये जो सिक्योरिटी मनी जो होता है ये रिफंडेबल होता है, मतलब ये पैसा आपका मेन ब्रोकर के पास में जमा रहेगा तब तक जब तक आपकी फ्रेंचाइजी चल रही है। जब आप अपनी फ्रेंचाइजी वाइंड अप करोगे दैट मीन्स क्लोज करोगे तब आपको ये पैसा वापस मिलता है मेन ब्रोकर की तरफ से, ठीक है। तब तक ये पैसा आपका वहां पर जमा रहेगा। तो ये होगी पहली बात सिक्योरिटी मनी की। दूसरी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब जब आप सब ब्रोकर का ऑफिस चालू करोगे, वहां पे धंधा करोगे, वहां पे ब्रोकरें जाएंगी, मतलब इनकम होंगी, ठीक है। आपके आपकी जो इनकम होगी एज ए सब ब्रोकर, एज ए फ्रेंचाइजी, वो जो इनकम है उस इनकम में कितना पोर्शन आपका रहने वाला है और कितना पोर्शन मेन ब्रोकर का रहने वाला है। क्योंकि वाकई में अब मेन ब्रोकर की तो मेन ब्रोकर को तो कमाई जाने ही वाली है, ऐसा तो होगा नहीं कि सारी कमाई आपकी रहेंगी, ठीक है। तो रेशो रहता है, मान लो रेशो 70-30 का डिसाइड हुआ तो इसका मतलब ये है कि 70% कमाई आपकी रहेगी एज ए फ्रेंचाइजी, ठीक है, और 30% कमाई आपको मेन ब्रोकर को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो रेशो 80-20 का डिसाइड हुआ, इसका मतलब है 80% कमाई आपकी रहेगी और
20% कमाई आपको मेन ब्रोकर को देना पड़ेगा। 90-10 का भी रेशियो रहता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या रेशियो आपके बीच में डिसाइड होता है। एज ए सब ब्रोकर हर कोई यही चाहेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रेशियो मिले, बड़े से बड़ा रेशियो मिले, 90-10 का रेशियो मिल जाए। बट अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जो मार्केट में रेशियो मिलता है वो 70-30 का मिलता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। उससे कम रेशियो पे आप जाइएगा मत, कुछ कुछ 60-40 की भी बात करते हैं, तो वैसा बिल्कुल मत करिए। एटलीस्ट आप कितने भी नए हो इस ब्रोकिंग के धंधे में, तब भी आपको 70-30 का रेशियो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको 70-30 का रेशियो मिल गया और महीने की आपकी फ्रेंचाइजी में जो कमाई हुई है वो 1,00,000 रुपये की हुई है, दैट मीन 70,000 रुपये कमाई आपकी है और 30,000 रुपये आपको मेन ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो रेशियो का काम होता है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में दोस्तों अगला जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंटेशन का स्टेप है, ठीक है। अब आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसको कुछ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा। फॉर्म्स रहेंगे, ठीक है। सारे जो आप ब्रोकिंग ले रहे हो, सब ब्रोकर ले रहे हो, उसके सारे फॉर्म्स लेंगे। बहुत सारी जगह पे आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में जहाँ पे आप ऑफिस सेटअप कर रहे हो, वो ऑफिस अगर आपका रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बैंक प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस बैंक में आप पे आउट लेना चाहते हो, ठीक है, जो आप कमाई होंगी आपकी वो मेन ब्रोकर से ही आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, दैट मीन्स बैंक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों NISM के कुछ सर्टिफिकेशंस भी आपके पास में चाहिए जब आप ब्रोकिंग कंपनी से सब ब्रोकरशिप ले रहे हो। तो जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो है NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट। उसी के बेस पे आपको टर्मिनल मिलेगा NSE और BSE चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में डिपॉजिटरी ऑपरेशन का भी सर्टिफिकेशन एक रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है जब आप सब ब्रोकर बन रहे हो। बट आप चिंता मत करिए, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाता है। मेन ब्रोकर क्या करता है, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अरेंज करके दे देता है। हाँ, वो है कि उसके बदले में वो अलग से पैसा आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग धंधा करना चाहते हैं। अब धंधा देखिए, जो बिजनेस करना चाहता है वो जरूरी नहीं है कि सारा वो एजुकेटेड हो, ठीक है, उसके पास में सारे सर्टिफिकेट्स हो, उसके पास में सिर्फ पैसा है, उसे धंधा करना है, तो वो पैसा देके सारी चीज़ें ले सकता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं। अगर आपके पास में सर्टिफिकेशन है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट है, डिपॉजिटिव ऑपरेशन का सर्टिफिकेट है, तो आप दीजिए, चलेगा। बट अगर नहीं भी है तो आपको वो मिल जाएगा वहां से, उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा वो लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको चेक्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी मनी आपको देना है, तो सिक्योरिटी मनी का एक चेक आपको देना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आपके बीच में डिसाइड हुआ, लेट्स से 50,000 रुपये अगर डिसाइड हुआ, तो 50,000 रुपये का आपको चेक देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन की फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट ले रहे हो, NSE ले रहे हो, BSE ले रहे हो, फिर उसके अंदर कमोडिटीज ले रहे हो, करेंसीज ले रहे हो, ठीक है। तो ये जो अलग जितने ज़्यादा सेगमेंट्स आप लोगे उतनी ज़्यादा आपको फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस के भी आपको चेक्स देने पड़ेंगे, वो 10,000 से 15,000 रुपये के बीच होता है। मतलब किसी का रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये रहेंगी, 15,000 रुपये रहेंगी, तो ऐसी वो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस के आपको चेक्स देने पड़ेंगे और सिक्योरिटी मनी का भी आपको चेक देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने दे दी, डॉक्यूमेंट दे दिए, फॉर्म साइन कर दिए, तो अब आपके तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब 10 से 15 दिनों के अंदर में या फिर मैक्सिमम एक महीने के अंदर में आपको फ्रेंचाइजीज अलॉट हो जाएंगी। जैसे ही आपको फ्रेंचाइजी अलॉट होंगी, आपको मोबाइल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि आपको फ्रेंचाइजी मिल गई, ठीक है। उसके बाद में फिर आप अपना ब्रोकिंग का धंधा सब ब्रोकर बन के आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों फ्रेंचाइजीज अलॉट होने के बाद में आपको मेन ब्रोकर से क्या क्या मिलेगा, तो दोस्तों मेन ब्रोकर से तो आपको सबसे पहले तो एक बोर्ड मिलेगा, मतलब एक फ्लेक्स मिलता है जो कि आप ऑफिस के बाहर लगा सकते हो। इससे क्लाइंट्स लोगों को ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ब्रोकिंग कंपनी का ये ऑफिस है। लाइक शेर खान से आपने फ्रेंचाइजी ली है, तो शेर खान का एक फ्लेक्स मिलेगा जो आप बाहर लगा सकते हो। इससे लोगों को ये पता चलेगा कि ये शेर खान का ऑफिस है, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पे ब्रोचर्स मिलेंगे, ठीक है, जो आप अपने ऑफिस के अंदर में लगा सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेंगे, जो आप लोगों के डिमैट अकाउंट ओपन करोगे उसके लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अदर जितने भी चीज़ें रहती है ब्रोकिंग का धंधा करने के लिए आपको, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको रहेंगी, जिस भी फॉर्म्स की जरूरत रहेंगी, वो सारे फॉर्म्स आपको मेन ब्रोकर से मिलेंगे। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, क्योंकि अब देखिए आप रजिस्टर्ड हो, आप भले ही सब ब्रोकर हो, दैट मीन, पर फिर भी आप रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हो, तो उसका भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा जो कि आपको ऑफिस में लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कल को जाके अगर इंस्पेक्शन होता है आपके ऑफिस का,
तो सारे सर्टिफिकेशन आपके ऑफिस में लगे रहेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि सेबी की तरफ से इंस्पेक्शन भी होता है, ठीक है। इसलिए वो सर्टिफिकेट जो रहते हैं, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट, वो आपको ऑफिस में लगा के रखना पड़ता है, ये भी एक रूल के अंडर में है। तो वो लगा के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो आपको मेन ब्रोकर से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मेन ब्रोकर से मिलती है। अब ये हो गया, अब इसके बाद में आपको अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो मतलब जो लोकेशन आपने दिखाए थे वहाँ पे अपना ऑफिस लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, फर्नीचर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब जो जो चीज़ें आप करना चाहते हो। वैसे तो सिर्फ कंप्यूटर लगाने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। बट आप अपना ऑफिस किस तरीके से बनाना चाहते हो ये आप पे डिपेंड है। जिस भी तरीके से आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हो उस तरीके से आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। और क्लाइंट के अकाउंट ओपन करके, डीमैट अकाउंट ओपन करके, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके उनको सर्विस दे सकते हो और उनसे ब्रोकरेज के रूप में आप कमाई कर सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ऑफिस ही लगाना आपको है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग तो फ्रेंचाइजी का धंधा घर से भी चलते हैं, घर से करते हैं, ऑफिस लगाते ही नहीं है, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में, तो आप चिंता मत करिए। बट ये आपको डिपेंड करना, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लाइंट को किस तरीके से सर्विस देना है। क्या क्लाइंट आपके ऑफिस में आने वाले हैं, विजिट करेंगे, तो उनको माहौल कैसा दिखना चाहिए, एटमॉस्फेयर कैसा दिखना चाहिए, ये आपको और क्लाइंट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हुए आपको ये सारी चीज़ें सेटअप करनी है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि आप ऑफिस लगा के भी ब्रोकिंग का धंधा कर सकते हो, और अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप घर से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑफिस लगा कर ही करिए, क्योंकि होता क्या है कि ये बिजनेस है, ठीक है। जब भी क्लाइंट आपके पास में आएगा तो उसे ये लगना चाहिए कि ये ऑफिस है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, काम हो रहा है, मैं यहाँ पे अकाउंट खोलूंगा तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मुझे सर्विस मिलेंगी। क्योंकि घर पे अगर आपने सेटअप कर दिया तो वो लगे अरे ये तो घर है, घर से धंधा कर रहा है, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो क्लाइंट नेगेटिविटी की तरफ चले जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जो भी क्लाइंट नॉर्मली अगर आपका लोकल सिटी से आप किसी का भी डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो एक बार जरूर आपके ऑफिस में विजिट करता है, ठीक है, देखने के लिए कि इनका ऑफिस कैसा है, एक्चुअल में ऑफिस है क्या। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि भरोसे वाली बातें होती है, क्लाइंट भरोसा देखना चाहता है, मतलब विश्वास उसको होता नहीं है, क्लाइंट को जल्दी विश्वास होता नहीं है। तो एक बार विश्वास बैठाने के लिए वो एक बार जरूर ऑफिस में विजिट करता है। तो आप जरूर आप अपना ऑफिस ही सेटअप करिए, घर से करने का फिलहाल मत सोचिए, ठीक है। अब दोस्तों जितने भी क्लाइंट्स आपके पास में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने लोगों के आपने डीमैट अकाउंट ओपन करे, जो लोग ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करके जो ब्रोकरेज जनरेट होंगी आपके ऑफिस में, जितनी भी कमाई होगी एक महीने के अंदर में, वो सारी कमाई मेन ब्रोकर के अकाउंट में जाती है, ठीक है। फिर मेन ब्रोकर क्या करेगा, मंथली बेसिस पे आपको पे आउट देगा, ठीक है, जो भी रेशियो आपका डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। मान लो एक महीने के अंदर में आपके फ्रेंचाइजी के ऑफिस में 1,00,000 रुपए की कमाई हो गई और आपका रेशियो डिसाइडेड है 70-30 का, तो 70,000 रुपए मेन ब्रोकर से आपको पे आउट मिलेगा हर महीने, जो आपने बैंक प्रूफ सबमिट किया है उस बैंक अकाउंट में। वो जो 70,000 रुपए का पे आउट करेंगे, 70% का पे आउट करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत टैक्स TDS डिडक्ट करते बाकी अमाउंट आपको दे देते, बहुत माइनर वो होता है टैक्स का परसेंटेज, उस हिसाब से वो लोग डिडक्ट करते हैं और बाकी पैसा आपको मिलता है। तो इस तरीके से पे आउट आपको मंथली बेसिस पे मेन ब्रोकर से मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है, इस तरीके से आप करके सब ब्रोकर का धंधा चालू कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो ही आइए आप यहाँ पे। देखिए वैसा तो नुकसान तो है नहीं इस चीज़ में, कोई नुकसान नहीं है, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है, बस ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपका वही हो सकता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिफंडेबल नहीं होती है, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है, ठीक है। आपने ब्रोकिंग का धंधा चालू किया है, उसके बाद में मान लो अगर नहीं आप कर पा रहे हो धंधा, 6 महीने हो गए, तो उसके बाद में आप अपना धंधा क्लोज भी कर सकते हो, सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगा, बट जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको वापस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो जरूर आप ये चीज़ कर सकते हो, और इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप यहाँ पे अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।